Hi guys, welcome to today's class. So since your exam is approaching, I thought it would be appropriate to tell you people how you should attempt the English exam of CDS. Now, by now you all are clear that there are two exams for most of you. One of them is that of GK, the other is that of English. Whereas some of you might even give the exam of Maths as per the requirement. So there are these three exams. Now, one very thing, important thing is that you have a separate exam for English, completely separate exam from GK and Maths, which should tell you that it is of grave importance. This exam is very, very important. Why? Because aapki merit ke marks yahin se aayenge. Whatever merit you make will be scored out of English. This I can assure you. Kyunki GK aap jitni bhi kar lo, limited access hi rehta hai usme hamesha answers ka. Whereas English mein there is a lot of scope and you can very easily cross the 80 plus barrier. I have said this numerous number of times, I'm saying it again, especially for the female candidates. Please take this very very seriously that you have to score 80 plus. अब कैसे इसको अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले तो number one thing that you have to do is you have to identify your strengths. आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा. मीनिंग वॉट? मीनिंग दैट देर विल बी सम टॉपिक्स जो आपको बहुत आसानी से आते होंगे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्योंकि पैराग्राफ देख के ही आंसर करना है तो ये काफ़ी ईजी बन जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. देन आपका क्लोज टेस्ट, ये भी आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो. फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स अगर आ गए तो, अगर आपको आ जाते हैं बाय चांस, तो ये भी आप बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो. देन आपके पी क्यू आर एस वाले क्वेश्चन, फिर आपके S1 S6 वाले क्वेश्चन. तो ऑलमोस्ट 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. एंड ईच ऑफ देम विल हैव 10 क्वेश्चंस, मीनिंग दैट आप 50 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. अब इसके आगे वाली चीज़ें जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स, राइट, फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें बहुत सारे आप जो बच्चे हैं उसमें घबराते हैं, डर लगता है आपको इससे और लगता है कि ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. देन आपका वोकैबुलरी सेक्शन, ये वो सेक्शन है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है. बट बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हो तो ये भी कोई मुश्किल पोर्शन नहीं है. स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट स्पॉटिंग एरर्स, आई डोंट नो वाई इसका बहुत ज़्यादा फोबिया बना हुआ है बच्चों के मन में, जबकि ये बहुत ही आसान चीज़ है. यू ओनली हैव टू रिमेंबर द पर्टिकुलर रूल्स एंड बेसिक्स. हर टॉपिक के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. ये सॉल्व करना स्पॉटिंग एरर्स को इज़ लाइक अ केक वॉक, बहुत ही आसान चीज़ है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अब जब आप अपना पेपर देखोगे तो यू मस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दोज पार्ट्स जो आपको आते हैं. यू शुड अटेम्प्ट योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट, ताकि आपको पेपर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और आपको ये लगे कि ठीक है, मैं ये पेपर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट यू पीपल टू अटेम्प्ट योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट. पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को अटेम्प्ट करो. जो भी वीक टॉपिक्स हैं आपके, जिन चीज़ों को आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आता, वीक टॉपिक्स हैं, उनको एक बारी के लिए छोड़ दो और पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को अटेम्प्ट करो. नाउ आपके GS एग्ज़ाम के लिए आपको टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, लेकिन इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए मेरी इंस्ट्रक्शंस ये हैं दैट यू कैन टेक रिस्क. इवन इन 50% वाले चांसेस में भी आप रिस्क ले सकते हो. यानी अगर आपको 50-50 लग रहा है कि ए या बी में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो यू कैन गो अहेड एंड टेक द रिस्क. बिकॉज ये पेपर जो है उसमें स्कोरिंग थोड़ी सी AFCAT से कम है. जैसा कि आपको पता है, यू विल बी अवॉर्डेड 0.83 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.27 विल बी डिडक्टेड इफ़ यू डू अ रॉन्ग क्वेश्चन. सो इतना भारी मात्रा में नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप 50% वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. देखो, एक बात याद रखनी है, जब आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हो तो यू हैव टू बी मासी, वेयर एज वेन यू आर डूइंग योर एग्जाम फॉर GK यू हैव टू बी क्लासी. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? GK में यू हैव टू चूज कि मैं बस इतना ही पोर्शन करूंगा या करूंगी, वेयर एज इंग्लिश में यू कैन इवन अटेम्प्ट ऑल 120. इफ यू वॉन्ट टू, यू कैन गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट. इफ यू टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई यूज टू अटेम्प्ट ऑल 120. मैं पूरे 120 क्वेश्चन करके आती थी, ताकि बाद में मुझे ये ना लगे कि
मतलब कोई क्वेश्चन छूट गया है या मैंने रिस्क नहीं लिया, यू कैन टेक रिस्क इन इंग्लिश, लेकिन जीके में रिस्क नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे आपके पास लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको आते होंगे, उसमें भी अगर आपने रिस्क ले लिया तो फिर आता जाता जो होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा सारा मामला इसमें, इसलिए जीके में ये गलती नहीं करनी है। हाँ, इंग्लिश में मैं खुद आपको बोल रही हूँ, आप रिस्क ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एनदर थिंग, प्लीज़ रिमेंबर OMR शीट को पहले सॉल्व नहीं करना, अपने क्वेश्चन पेपर पे ही टिक मार्किंग करो, और एंड के 45 मिनट्स एटलीस्ट यू हैव टू कीप फॉर OMR मार्किंग। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं पेपर करते करते, हम ये भूल जाते हैं कि हमें OMR में भी मार्क करने हैं आंसर्स, वी कम्प्लीटली फॉरगेट, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, OMR नहीं भरी तो पेपर चेक नहीं होगा, यू ऑल नो दैट राइट। OMR भरनी बहुत ज़रूरी है। अब जब आप OMR भर रहे हो, मान लो आपने 1 to 10 questions को OMR में फिल करना है, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड आता है, थर्ड नहीं आता, फोर्थ आपने किया, फिफ्थ नहीं किया, सिक्स सेवन्थ एट्थ कर लिया, नाइन्थ नहीं किया और फिर टेंथ कर लिया। अब इसमें आपको गड़बड़ ना हो जाए क्वेश्चंस में कहीं, तो एक बार में सिर्फ 5 क्वेश्चंस के बैच को ही फिल करना है, एंड देन यू शुड रीचेक योर ऑप्शंस कि मैंने वही भरे हैं जो मैंने पेपर में मार्क किए थे, ताकि अगर गड़बड़ भी हो जाए तो 5 ही क्वेश्चंस में रहे, आगे ना बढ़े। अगर आपने चेक नहीं किया और आप आगे भरते गए तो पूरे पेपर का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए 5 क्वेश्चंस को फिल करो, देन उनको रीचेक करो, फिर अगले 5 भरो, उनको रीचेक करो। इसीलिए आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स का टाइम चाहिए OMR फिल करने के लिए। एक और बात, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एक साथ सॉल्व नहीं करना, पहले सिनोनिम सॉल्व करो उसके बाद कुछ और सॉल्व कर लो, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर एंटोनिम सॉल्व करो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको सिनोनिम जब आप सॉल्व करके चुके होगे तो आप एंटोनिम में भी 90% चांसेस हैं कि आप एंटोनिम्स में भी सिनोनिम ही मार्क कर दो, क्योंकि दिमाग हमारा वैसा वायर हो चुका होता है, प्लस यू आर अंडर एक्सट्रीम टेंस्ड एनवायरमेंट एंड यू आर वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज आप पेपर दे रहे हो, तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। अब इससे मुझे एक और बात याद आई, जो भी ये क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखते ही जहां सिनोनिम लिखा है उसको अंडरलाइन कर लेना है पेन से, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो आपको पता हो कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो। सिनोनिम को एंटोनिम में मार्क कर दो और एंटोनिम को सिनोनिम में, तो सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, आपको आता जाते क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, कि ऐसा नहीं करना है आपको, ओके? एक जरूरी बात वो जो याद रखने वाली है वो ये है कि पहले आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना, फॉर 15 मिनट्स, टेक 15 मिनट्स एंड रीड द पेपर, आइडेंटिफाई करो कहाँ पे कौन से क्वेश्चन है, और तब ये अंडरलाइनिंग वाला काम भी कर लेना है, ताकि एक ही बार में ये सारा काम निपट जाए, ठीक है? ये चीज़ें भी कर लेनी है, उसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ओके? घबराना नहीं है, पहली रीडिंग में अगर नहीं आ रहा कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर नहीं आता, रिलैक्स एंड वेट, योर ब्रेन विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, उसको थोड़ा टाइम देना है, ठीक है ना? टाइम नहीं दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको भी डर लगता रहेगा कि अरे मुझे तो आता नहीं है कुछ भी, वेन इन रियलिटी आपको आता होगा। इफ यू हैव डन योर प्रैक्टिस, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पेपर ना आता हो, 70-80% पेपर आपको ज़रूर आता होगा, पक्का से आता होगा अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो। वो अलग बात है कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर उस केस में तो नहीं आएगा कुछ भी करने के लिए आंसर, फिर आप ऐसे लॉस्ट ही घूमते रहोगे। हाउएवर इफ यू रेड, इट इज ऑफ पूरी श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि आपको पेपर ज़रूर आता होगा। इफ आई टेल यू अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मेरा लास्ट CDS था, आई हैड टू गिव माई लास्ट CDS, उससे पहले भी मैंने कई बार CDS दिया हुआ था और मुझे पता था कि पेपर कैसा होता है, बट समहाउ फिर भी ड्यूरिंग माई लास्ट CDS आई गॉट सो नर्वस, मुझे इतना डर लगा अचानक से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर नहीं पेपर क्लियर हुआ तो मतलब लास्ट चांस है और ये भी निकल जाएगा, तो इसमें आई वॉज रियली रियली अपसेट और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। माई मॉम एंड डैड हैड टेकन मी टू द एग्जामिनेशन सेंटर, सो यू इमेजिन आई वॉज सो टेरिफाइड
कि मेरे हाथ कांप रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में, मुझसे साइन नहीं हो रहा था, जो साइन कराते ना अटेंडेंस शीट पे, मुझसे वो भी नहीं हो रहा था कि मैं साइन ही कर दूँ। मतलब इतनी घबराहट मुझे हो चुकी थी उस टाइम पे। सो माई इन्विजिलेटर ओनली आस्क माई मॉम टू कम एंड सिट इन साइड द स्कूल प्रेमिसेस फॉर सम टाइम, ताकि मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे कि एवरीथिंग इज़ ओके। तो जब तक मुझे पेपर नहीं मिला क्वेश्चन पेपर, आई वॉज दैट टेरिफाइड। हाउ एवर आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर आई रेड इट, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे आता है, एंड देन आई गॉट अ लिटिल बिट ईजियर, थोड़ा मुझे सांस आई तब चैन की। उसके पहले मैं इतनी ज़्यादा घबराहट में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। इतना पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, जबकि आई न्यू दी आंसर्स। The only difference is that I was not paying attention. मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा ध्यान इस बात पे ज़्यादा था कि मुझे आता नहीं होगा पेपर, जबकि मेरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए था कि मुझे आता है पेपर, उस पे मेरा ध्यान नहीं हुआ। ओके तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेपर आता होगा। The only thing is you have to keep your cool in the examination. Always keep your cool. कभी भी ये नहीं भूलना कि मैंने मेहनत करी है। ओके आपने मेहनत करी है तो आपको उसका फल हमेशा मिलेगा। अगर अभी नहीं मिल रहा तो फिर कभी। योर वट एवर यू डन ना, जितनी भी मेहनत की है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी नहीं, ना आज ना कल ना फिर कभी, कभी भी ये वेस्ट में नहीं जाएगी। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, काम रहो, आराम से पेपर करना है, पढ़ना है पेपर को, ध्यान देना है बेसिक्स के ऊपर, ध्यान देना है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पढ़ के ना एक बार ऐसा लगेगा कि अरे इनमें तो कोई एरर ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, जबकि उनमें एरर होंगे। दी ओनली थिंग इज ध्यान रखना है, आंखें खुली रखनी है, ये देखना है कि क्या बेसिक्स में कहाँ पे गलती हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले सिर्फ ए पार्ट को पढ़ो, देन मूव टू पार्ट बी, देन सी एंड देन डी, ऐसे पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ो। ओके उससे क्या होगा, पार्ट वन आपको क्लियर हो गया है कि ये तो सही है, आगे बढ़ो, आपको अपने आप एरर मिल जाएगा। देखो आपने इंग्लिश पढ़ी है अप टिल योर ग्रेजुएशन, इट इज़ बट नेचुरल कि आपके दिमाग को पता है कि सही इंग्लिश क्या है। तो अगर सही इंग्लिश नहीं लिखी हुई होगी ना, आपको पता लग जाएगा पढ़ के कि ये गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। इसलिए रिलैक्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी नाइसली। माई बेस्ट विशेज विद एवरी वन ऑफ यू। आई रियली होप कि आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो और आप सबका पेपर क्लियर हो जाए रिटन एग्जामिनेशन। ओके ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, गिव योर बेस्ट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, and may God be with you, all our blessings are with you. Okay, all the best guys, thank you.